मेरा बलमा बड़ो से यानो ठंडो को कोला लायो तुहरा आँख नीला नीला हवा तो सीला हवुका तो चोरी तो वहाँ से भइल बा आ धुन केहू के बाप के जागीर ना हो हमु गावत नहीं गाव कोनो दिक्कत नहीं के हम रखू केहू के दोस्त ना देम हम ये कहम कि पवन भैया के संगे चाहे खेसारी भैया के संगे हम सपनों देखेनी तो सपना में ना देखेनी कि पवन भैया के संगे हमार काम हुई या खेसारी भैया के संगे हमार काम हुई बस ये चीज़ से हम ये चीज़ के बारे में बोले नहीं वो भाई के ना लेकिन जो ये ट्रैक से जुड़ल बा नू ओकरा ज़्यादा दुख भइल बा ये गाना के ट्रैक से जो जुड़ल बा ओकरा ज़्यादा दुख भइल बा कि बोल गए थे लोग कॉपी राइट हो गया है आप किसी का कॉपी भी किए हैं का बताते हैं अगर ठीक है हम अगर चोर हैं तो आप भी चोर हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार किन्नर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी एक ऐसा शख्स से आप लोग को मिलवाने जा रही हूँ जहाँ पे आप लोग हर दिन आए दिन हर जगह पे भोजपुरी कॉमेडियन स्टार हैं जो जिनका नाम है कृष्णा जैक। और मैं बता दूँ इनका बहुत सारे एक गाना तो वायरल हुआ कॉमेडी वीडियो बहुत सारे वायरल हुए हैं जिनके कारण आज कॉमेडी स्टार बोले जाते हैं। लेकिन इनसे पूछते हैं इनका हाल चाल इनका क्या दुख है क्या आगे चल के प्रक्रिया होगा आगे चल के भोजपुरी में क्या करने वाले हैं। जी कृष्णा भैया लव यू जितना भी बड़ भैया वानी वो बड़ भैया के दिल से धन्यवाद और सानिया जी के भी धन्यवाद कि रुआ यहाँ तक तो कहीं नहीं। ठीक है पहले तो आपका मेरे चैनल में पूरा स्वागत है और मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे किन्नर समाज के लोग भी जुटे हैं जो आपको आज देखेंगे कि हाँ सानिया किन्नर जय की भी एक पास गए। आपका कॉमेडी देख के हमारे किन्नर समाज के लोग बहुत हंसते भी हैं कि कितना अच्छा आप कॉमेडी करते हैं। और एक सवाल आपके इस गाना पे जो मुन्नी का खचुनी बदनाम करबू का ये पर बहुत किन्नर समाज के लोग अच्छा अच्छा वीडियो बनाए उस पर आप क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए। शुक्रगुजार बानी आभारी बानी रुआ सभी के कि एगो छोट भाई के एगो छोट लड़का के इतना प्यार देनी लव यू हमने के जौन भी गाना आवे यही प्यार दिला है काम बा और अच्छा लागेला रुआ सभे के भी वीडियो देख के कि मतलब एगो छोट भाई के अपना स्तर से अच्छा एगो एथी देनी बूस्ट देनी एगो ताकत देनी बहुत खुशी होला उनके। जिस टाइम आपका वीडियो यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से हट गया था उस टाइम आपको कैसा फीलिंग हुआ था। बस दुख ये बात के भइल वो दिन कैसे कि भूख में वीडियो शूट कर ले रही सन और जब गाना हटल तो वो गाना से उम्मीद रहे हमने के कि गाना अच्छा चली आ जब गाना हटल तो बहुत दुख हुई हम बहुत रोलहूँ रनी रो के फोन कर रही ताज भाई के लगे हम ताज भाई से एक बात कहनी कि तू आज कसम खा कि ये बड़ गाना करब हमारा खातिर तो भाई हमार गाना कोशिश हमेशा रखेलन कि कृष्णा के का कह दी कि बाजस कृष्णा के का कह दी कि बाजस फिर एगो गाना रिकॉर्ड कर ले बड़न बहुत ही अच्छा गाना बा जौन मुनि हौका हमने के एक दिन में शूट कर ले बनी सन एक गाना के दो दिन में शूट कर ले बनी सन और सिवान में जौन भी बेहतर लोकेशन बा वो चीज़ के हमने के ये गाना में देखावे की कोशिश कर ले बनी सन। आपको बता दे कोई बोलते हैं किसी माँ का किसी के बच्चा से अलग करना कितना दुख होता है इसी तरह से किसी कलाकार को उसका कलाकारी छीन लेना बहुत दुख की बात है। मैं आपको बता दूँ कॉमेडियन स्टार हैं जो जैकी कृष्णा जैक जी इनसे इनका गाना को छीन लेना इंस्टाग्राम से हटा देना यूट्यूब से हटा देना कितना दुख की बात है। और हमारे पूरा बिहार का पूरा भारत में लोग इनका कॉमेडी देखते हैं और इनको लाइक कमेंट करते हैं। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं हम कि अभी आप जो बोले हैं मुनी का खचुनी बदनाम करबू का इस गाना को लेकर और अलग अलग गायक हैं उन लोग का इतना दुख क्यों होता है। अलग अलग जे भी बावे वो भाई के ना लेकिन जो ये ट्रैक से जुड़ल बा नू ओकरा ज़्यादा दुख भइल बा ये गाना के ट्रैक से जो जुड़ल बा ओकरा ज़्यादा दुख भइल बा कि बोल गए थे लोग कॉपी राइट हो गया है आप किसी का कॉपी भी किए हैं का बताते हैं अगर ठीक है हम अगर चोर हैं तो आप भी चोर हैं पहले बताते हैं का है कि जौन वो गाना रहे न मुनि हो का हरियाणवी गाना तो चोरी तो हरियाणा से भइल बा तो चोरी तू हूँ कैले बड़ा तो चोरी हमू कैले बनी अब तू कहत रहे कि हम चोर नहीं की तो गाना हवे मेरा बलमा बड़ो से यानो ठंडो को कोला लायो तुहरा आँख नीला नीला हवा तो सीला हवुका तो चोरी तो वहाँ से भइल बा आ धुन केहू के बाप के जागीर ना हो हमू गाव तो नहीं गाव कोनो दिक्कत नहीं कि हमरा खुशी हुई। देखिए बोलते हैं कि शेर के ऊपर सावा शेर आपको आज बता दें लोग बोलते हैं शेर के ऊपर सवा शेर। देखिए अभी जो आई बोले अपने बातों से कि हरियाणी गाना है चाहे धुन है मैं उसको कॉपी किया हूँ तो आपको बता दें पूरा बिहार में जितना भी लड़की
काजल राज हो या दिशा रानी जो भी हो, सभी लोग सिंगर का गाना को कॉपी करके आज स्टार बने हैं। इसी तरह से कृष्णा जैक भी गाना को कॉपी करके गाना गाए हैं और स्टार हैं, और ये कोई चोरी नहीं किए, इनको बला के आप लोग इनको आप प्यार दीजिए, दुलाई दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। और एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कॉमेडी के माध्यम से, आप जब कॉमेडी करते हैं तो जब आप कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से की? बस शुरुआत हमने के वीगो वीडियो से कही नहीं सर। मैंने किस जगह से, किस गांव से ये बता दीजिए। हमारे घर पर ला गंगा हता जामो बाजार जिला सिवान पर ला हमने। थाना आपका कौन पड़ता है? जामो पर ला है। आई जो वीडियो बनाए थे फर्स्ट वो कहाँ का था? ये हमारा जामो क्षेत्र के ही रहे। अच्छा, एक बात मुझे आज दिन सुनने को मिलता है कि आप जब स्टैम कॉमेडी बनाते थे उस टाइम आपके पहले के जो फ्रेंड थे लोग उनको आप लोग आप उनको छोड़ दिए, ऐसा क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है, कहे के मतलब ये बा कि जे एक एक बात कहें जे हमारे चैनल से जुड़ल वालों वो लोग मन देखे ना लोग के सानिया की नरका देखा हो तभी तो ये वो बताई देखी जब वो स्टार हो गए नहीं तो वो गाँव जो है कि दोस्त यार के भूल जाए। ना ना ऐसा कोई बात नहीं है, हम ना दोस्त यार के भूलल बही ना टीम के लोग के भूलल बही, ठीक। लेकिन का होला कि अगर टीम में बानी नू तो टीम के बूस्ट करे के बारे में सोची, टीम के आगे ले जाए के बारे में सोची, न तो हम अगर रोज़ 20 के स्पीड में दौड़ते नहीं, रोज़ 20 के स्पीड में दौड़े में तो ऐसे काम ना चली, हर रोज़ हमने के स्पीड में बढ़ोतरी करे के पड़ी। तो कहीं ना कहीं अगर जो 20 पर दौड़ता 15 पर दौड़े लगो तो हमारा छोड़े के पड़ी। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप इतना फेमस हैं, गाना भी गा गए हैं, लेकिन पवन सिंह खेसारी लाल जो हमारे भोजपुरी का जो है, अभी देखिए जैसे आपको बता दे काजल राज है उनको फिल्म में शूटिंग करने का मौका का तो मिल गया है, और हमारे बिहार का आप इतना अच्छा काम करते हैं, कॉमेडी वीडियो स्टार है सब कुछ, आपको मौका नहीं मिला क्यों? ऐसा किसको दोष देंगे आप? हम केहू के दोष ना दें, हम ये कहें कि पवन भैया के संगे चाहे खेसारी भैया के संगे हम सपनों देखे नहीं तो सपना में ना देखे नहीं कि पवन भैया के संगे हमारे काम हुई या खेसारी भैया के संगे हमारे काम हुई। बस ये चीज़ से हम ये चीज़ के बारे में बोले ही के ना चाहें। देखिए मैं आपको बता दूँ, इस कॉमेडी स्टार को मैं सलाम करती हूँ कि कोई भी सिंगर चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो किन्हीं के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, इनको बोले मेरा कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, अपना कॉमेडी पर इनको पूरा दम है और अपना सिंगिंग पर इनको पूरा दम है। लास्ट में वीडियो में जैसे जाते से पहले एक बोलूँगी, आप एक कॉमेडी का कुछ दो लाइन बोलिए। बिल्कुल कहे ना जरूर सुना है। आपका कॉमेडी हम देखते हैं, लाइक करते हैं, हम एक दिन सोच रहे थे आपसे मिले, लेकिन आज जो मौका मिल गया मैं आपके पास आऊँगी। और एक और बात, हमारे किन्नर समाज की तरफ से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आप मुझे बुलाइएगा, मैं पूरा गोपालगंज सिवान छपरा पूरा बिहार के किन्नर आपके पास हाजिर कर दूँगी। बोलिए आप दो लाइन बोलिए कॉमेडी से, सभी लोग देखते हैं। बिल्कुल नया साल के सीजन चला तब है, और बस नया साल में ये कहें कि जो नया साल आवता जो नया साल आओ तनु इो एक साल से ज़्यादा ना चली, बस एक साल में यो खत्म हो जाए, तो वह सब ज़्यादा उत्सुकता में मत रही 365 दिन के यो नया सालों के अलावा। देखिए आपको बता दे बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी की किनर 24 न्यूज़ में हमारे तरफ से। देखिए इनसे बात भी चाहिए हुआ, बहुत अच्छा भी बात किए, और जितने भी इनका कॉमेडी वीडियो देखते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, इनके बात विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद जय भारत।